पैकिंग एंड सॉलिड्स, पैकिंग एंड सॉलिड्स, पैकिंग एंड सॉलिड्स, ऑल सॉलिड्स, ऑल सॉलिड्स ट्राइज टू अचीव अ हाईली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हाईली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हाईली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हर सॉलिड यह कोशिश करता है कि उसका पैकिंग जो है वो हाईली क्लोजली पैक्ड हो, हाईली क्लोजली पैक्ड हो, मतलब वो पैकिंग अचीव करने का कोशिश करेगा जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम हो। तो जनरली पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम किस में आया, एफसीसी में आया और एचसीपी में आया, है कि नहीं? दोनों में बराबर है 74%। एचसीपी और एफसीसी का पैकिंग देखने में बिल्कुल लगभग सेम लगेगा आपको, लेकिन उसमें जरा सा अंतर है। जरा सा अंतर क्या है उस चीज को समझने का कोशिश करो। मान लो तुमको हम मार्बल्स दे दिए, रेडियस आर के मार्बल दे दिए, तो सबसे पहला काम आप क्या किए कि मार्बल को एक प्लेन पे पहले अरेंज करना शुरू कर दिए। ये एक लाइन अगर हम बनाए मार्बल का, तो दूसरा लाइन मार्बल का इसी प्लेन पे कैसे बनाएंगे? इसके नीचे नहीं रख के कहां रखेंगे? बिल्कुल ये ग्रूव पे रखेंगे। इस तरीके से ग्रूव पे मार्बल रखना स्टार्ट कर दिए हम, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर बने। जैसे यहां पर रख दिए तो एक यहां पर आएगा, एक मार्बल का अरेंजमेंट किए। ठीक, एक लेयर तैयार करने के बाद अब इसके ऊपर मुझे दूसरा लेयर तैयार करना है। ठीक, तो मार्बल के ऊपर मार्बल तो नहीं रख पाओगे, कहां पे मार्बल रखोगे? ये तीनों के बीच में जो गड्ढा बना हुआ है या ग्रूव बना हुआ है, वहीं पे दूसरा मार्बल का लेयर तैयार करोगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर दूसरा लेयर मार्बल का तैयार करना शुरू किए। एक मार्बल यहां रखे, दूसरा मार्बल यहां रखे, तीसरा यहां रखे, चौथा यहां रखे, पांचवा ग्रूव पे रखते चले गए। फिर यहां पर एक मार्बल होगा, एक मिनट, थोड़ा रफ डायग्राम बनाओ, है ना, ग्रूव के ऊपर ही रखना है ना मार्बल को। फिर यहां पर हम मार्बल रखे, मान लो यहां पर मार्बल रख दिए ये ग्रूव पे, फिर ये ग्रूव पे, इस तरीके से हम दूसरा लेयर मार्बल का तैयार किए। अब तीसरा लेयर बनाने के दो तरीके हैं, कैसे समझो। अब आपके पास दो तरीके का ग्रूव नजर आएगा। एक ग्रूव ऐसा नजर आएगा, एक ग्रूव देखिए जैसे ये तीन लाल वाले जो मार्बल है ना, तो ये तीन लाल वाले मार्बल का ये एक टाइप का ये ग्रूव बना। तो इस ग्रूव में आपको क्या दिख रहा है? नीचे वाला मार्बल दिख रहा है। इस ग्रूव में जब देखोगे तो नीचे एक मार्बल दिख रहा है ना, है कि नहीं? ये ग्रूव में नीचे वाला मार्बल दिख रहा है, हम अलग से बना दे रहे। जैसे ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये तीन मार्बल इस तरीके से तैयार है और नीचे भी एक मार्बल प्रेजेंट है। नीचे एक मार्बल था और ये अब ये ग्रूव जो है, ये ऊपर वाला तीन मार्बल का, ये ग्रूव में नीचे वाला मार्बल दिख रहा है कि नहीं? यहां लिखेंगे इन दिस ग्रूव द लोअर मार्बल इज विजिबल, लोअर मार्बल इज विजिबल, है कि नहीं? और यहीं पर तुम एक ऐसा, इन तीनों बॉल को देखो, इन तीनों लाल मार्बल को देखो, इन तीनों लाल मार्बल को जब देख रहे हैं तो यहां पे एक ग्रूव बना हुआ है, लेकिन ये ग्रूव से जब हम नीचे देखेंगे तो मेरे को बोर्ड दिख रहा है, मार्बल नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये चीज बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ सिचुएशन ऐसा है कि ये ऊपर वाले तीन मार्बल हो गए, ये ऊपर वाले तीन मार्बल हो गए, और नीचे वाला तीन मार्बल कैसे अरेंज है? इस तरीके से दूसरा और ये है तीसरा। समझ में आ रहा?
तो ये जो ग्रूव बना, ये वाला ग्रूव में इन दिस द बोर्ड इज विजिबल, बोर्ड इज विजिबल। तो जब हम लोग दो लेयर तैयार कर देते हैं तो हमको दो तरह का ग्रूव दिखता है, एक जो ग्रूव अवेलेबल है उसके ठीक नीचे मार्बल है, और एक जो ग्रूव है उसके ठीक नीचे हमको बोर्ड पूरा दिख रहा है, मैंने एकदम इनलाइन, बीच में कुछ नहीं है। जैसे यहां पर हम बोले कि बीच में क्या दिखेगा, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। अब तीसरा लेयर अगर आप ऐसे ग्रूव में रख दिए मार्बल को, तीसरा लेयर का मार्बल अगर आपने रख दिया इस ग्रूव पे, तो नीचे वाला जो व्हाइट मार्बल था उसके ठीक ऊपर ये येलो वाला मार्बल आ गया। नीचे तो नीचे व्हाइट मार्बल दिख रहा था ना, और वही ग्रूव पे अगर आप येलो वाला भी अगर डाल दिए तो नीचे वाला जो मार्बल है उसके ठीक, पहला लेयर का जो मार्बल है उसके ठीक ऊपर आ गया ये तीसरा लेयर का मार्बल। जब पहला लेयर का मार्बल के ऊपर ठीक तीसरा लेयर का मार्बल आ गया, मतलब तीसरा लेयर और पहला लेयर आइडेंटिकल हो जाएगा, तीसरा लेयर और पहला लेयर आइडेंटिकल हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि इट विल बी ए बी ए बी ए बी पैकिंग, ए बी ए बी ए बी पैकिंग। अगर पहला लेयर ए लेयर था, दूसरा लेयर बी लेयर था, तो दूसरा लेयर तो डिफरेंट था, लेकिन तीसरा लेयर का मार्बल ठीक पहले वाले के ऊपर आ रहा, मतलब कि पहला लेयर आप फिर से रिपीट कर रहे हो, है कि नहीं, मतलब पहला लेयर और तीसरा लेयर सेम, तो ऐसे पैकिंग को हम लोग बोलेंगे ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, समझ में आ रहा है। और अगर आपने तीसरा लेयर ऐसे ग्रुप पे रख दिया जहां पर बिल्कुल क्लियर व्हाइट बोर्ड दिख रहा था, मतलब कि पहला लेयर भी डिफरेंट, दूसरा लेयर भी डिफरेंट और तीसरा लेयर भी डिफरेंट, तो ऐसे पैकिंग को हम लोग कह देंगे एबीसी 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 टाइप ऑफ पैकिंग। सॉलिड में पैकिंग दो प्रकार से होता है, या तो एबी 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 पैकिंग होता है, या तो एबीसी 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 पैकिंग होता है। अब ध्यान देना, एबी एबी पैकिंग, एबी एबी पैकिंग यूनिट सेल हमेशा होता है एचसीपी, एबी एबी पैकिंग का यूनिट सेल हमेशा एचसीपी। जरा गौर से देखो, ये मार्बल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां लेयर ए, इसके ठीक बीच में, इसके ठीक बीच में जैसे मान लो कि तुम ये वाला ग्रूव और ये वाला ग्रूव पे आप मार्बल डाल दिए, तो वो हम लिख दे रहे हैं यहां पर, ये तीन आपस में इस तरीके से टच कर रहा होगा, ये हो गया लेयर बी, और ठीक नीचे फिर क्या बनाते हो, सेम वही चीज ना जो ऊपर है, फिर से ये लेयर कौन सा हो गया, ये लेयर ए हो गया। तो ये पहला लेयर, इसके ऊपर ये दूसरा लेयर, दूसरा लेयर कहां बनाए, एक यहां रख दिए, एक यहां रख दिए और एक यहां रख दिए, तो ये ग्रूव बना तीसरा वाले लेयर के लिए, तो यहां पर ठीक कौन आ जाएगा, ये बीच वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मार्बल जो पहला लेयर का है उसके ऊपर जो तीसरा लेयर का जो मार्बल है वो बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, एबी एबी ऑफ पैकिंग गिव्स एफसीसी, एबी एबी ऑफ पैकिंग गिव्स एफसीसी, क्लियर है ये चीज, सॉरी एचसीपी, एबी एबी पैकिंग ऑलवेज गिव्स एचसीपी देता है, और एचसीपी का हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिए। और वही अगर हम लोग देखें एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग, इट ऑलवेज गिव्स एफसीसी। आखिर मार्बल को तो हम लोग ग्रूव पे ही रख रहे हैं ना, तो मार्बल अरेंज करने का तरीका में आपको खास नजर नहीं आएगा अंतर, पैकिंग फ्रैक्शन तो सेम ही होगा, क्योंकि दूसरा लेयर भी ग्रूव पे रखे, तीसरा लेयर भी ग्रूव पे ही तो रख रहे हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन तो सेम आएगा ही आएगा, लेकिन तीसरा लेयर रखने का तरीका दो अलग अलग हो जाने के कारण यूनिट सेल हम लोग को दो अलग अलग तरीके से मिलता है। एबीसी एबीसी पैकिंग में फेस सेंटर्ड क्यूबिक मिलता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब गौर से देखना फेस सेंटर्ड क्यूबिक को, जरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे सारे कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट, और हर फेस का सेंटर पे लैटिस पॉइंट, हर फेस का सेंटर पे लैटिस पॉइंट, है कि नहीं।
अगर आप इस सिस्टम को इधर से व्यू करो, अगर हम इधर से व्यू कर रहे हैं तो देख एक्चुअली क्या है कि ये फेस सेंटर वाला इधर तो कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है, ये फेस सेंटर वाला भी डायगोनली कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है, ये फेस सेंटर वाला और ये फेस सेंटर वाला, ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे, ये दोनों फेस सेंटर भी आपस में टच कर रहे होंगे। एनसीईआरटी बुक लाया है दिखा, पेज नंबर 11 देख, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में ये स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर फेस सेंटर है, पेज नंबर 11 में देख, ये फेस सेंटर वाला स्ट्रक्चर, हर फेस के सेंटर पे आधा आधा एटम दिख रहा है, लेकिन इधर का आधा और ये ऊपर वाला जो आधा है, ये दोनों भी तो आपस में टच कर रहे हैं, ऊपर वाला जो आधा एटम है या इधर वाला जो आधा एटम है या इधर वाला जो आधा एटम है, ये तीनों भी तो आपस में टच कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरीके से मैं ये कहने का, समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला एटम इसके साथ तो टच बनाया है, ये एटम इसके साथ भी फेस डायगोनल के अलोंग टच बनाया हुआ है, लेकिन ये दोनों भी आपस में टच कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है? इसके ठीक पीछे भी क्यूब होगा, उससे भी ये टच कर रहा होगा, तो हम जब व्यू करते हैं तो ये पहला एटम मेरे को दिखता है, पहला दिखा, ठीक। उसके बाद यहां पे टोटल कितने एटम हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर, टोटल तो 6 एटम है ना, लेकिन उसके बाद वाला जो लेयर आपको दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो एटम था ठीक इसके ऊपर था, और ये दोनों फेस सेंटर वाले एटम है, फेस सेंटर वाले जो आपस में टच किए हुए हैं, ये फेस सेंटर वाले हैं जो आपस में टच किए हुए हैं, तीन फेस सेंटर वाले के ठीक ऊपर ये कॉर्नर वाला एटम रहता है, तीन फेस सेंटर वाले जो एटम है उसके ठीक ऊपर ये पर्टिकुलर एटम रहता है, देखोगे तब ना, एनसीईआरटी लायो, इसलिए तो हम बोले थे कि एनसीईआरटी बुक लेके आना, अब बोर्ड पे थोड़ी ना बन पाता है थ्री डायमेंशनल डायग्राम, फेस सेंटर वाले तीनों एटम को देख, आपस में टच कर रहा है कि नहीं, टच कर रहा है कि नहीं, ये गौर से देख, इधर वाला फेस सेंटर और इधर वाला फेस सेंटर टच कर रहा है कि नहीं, कर रहा नहीं, ये वाला आपस में टच, ये दिख रहा है, इसके पीछे भी तो क्यूब होगा, उससे भी तो टच कर रहा होगा, तो ये जो दोनों हैं ये फेस सेंटर वाले जो आपस में टच कर रहे हैं, और बाकी 1, 2, 3, ये दो और ये तीन, ठीक। फिर हम आगे बढ़े, यहां भी ये लैटिस पॉइंट था, फिर हम आगे बढ़े, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो पहले ये तीन मिलेगा, फिर ये दो फेस सेंटर आपस में टच कर रहे होंगे वो मिलेगा, और उसके ठीक बाद मेरे को ये वाला मिलेगा, समझ में आ रहा? देन लास्ट कॉर्नर वाला एटम, ये लेयर ए, ये लेयर बी, ये लेयर सी, तो फिर ये लेयर ए रिपीट होता है, इस ए, ये एक एटम है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 एटम है, अगर हम देखें तो एक एटम यहां पे फेस सेंटर पे, एक एटम यहां पे फेस सेंटर पे, एक एटम पीछे वाले का फेस सेंटर पे, एक एटम यहां पे, टोटल एटम्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एटम है, 6 एटम के ऊपर एक एटम है, ये 6 एटम का हम अरेंजमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अरेंजमेंट, तो ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, ये तीनों फेस सेंटर आपस में टच कर रहे हैं बेटा, ये तीनों फेस सेंटर आपस में टच कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसके बाद बचेगा 1, 2, 3, तीन एटम, तो ये तीन एटम का अरेंजमेंट हम लोग इस तरीके से बना रहे, तो एक, फिर ये दो और फिर बाकी के तीन, 6 एटम हुए,
और उसके बाद फिर मेरे को मिलेगा तीन, फिर दो और फिर एक, तीन दो एक और ये लास्ट लेयर। खैर ये बुक से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, कहने का मतलब मेरा यही है इतना कि एबीसी एबीसी पैकिंग ऑलवेज गिव्स एफसीसी, एबीसी एबीसी हमेशा एफसीसी देता है, एबीएबी पैकिंग हमेशा एबीएबी पैकिंग हमेशा सी एचसीपी देता है। कोशिश करो वो लैटिस बनाने का, पहले ये कॉपी करो जल्दी पहले फटाफट, एक हम लैटिस बनाएंगे उस लैटिस से समझाने का कोशिश करेंगे, पूरा बनाना है, समझ समझ के बनाना है, पहला लेयर बना दूसरा लेयर बना। हम सिर्फ समझाने का ये बात कर रहे थे कि ये सब देखो, ये सब कॉर्नर वाले जो हम लाल रंग से जो बना रहे हैं, ये सारे लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे हैं, ये सारे लैटिस पॉइंट कहां पे, कॉर्नर पे, और इनके फेस सेंटर को अगर हम लोग गौर से देखें तो फेस सेंटर वाला, इस ऊपर वाला फेस का सेंटर कौन सा है, ये वाला फेस का सेंटर कौन सा है, ये वाला है कि नहीं, पीछे वाला जो फेस सेंटर कौन सा है, ये वाला, इधर वाला फेस सेंटर कौन है, ये वाला, सामने वाला का फेस सेंटर कौन सा है, ये वाला, नीचे वाले का फेस सेंटर कौन सा है, ये वाला, सारे फेस सेंटर को हमने हाईलाइट कर दिया, सारे फेस सेंटर को हमने हाईलाइट कर दिया ना। अब देख, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर, ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे,
ये दोनों फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में टच कर रहा होगा, क्लियर है। ये ऊपर वाला मार्बल है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो ये एक दो तीन चार पांच छह, ये छह मार्बल का हम लोग को अरेंजमेंट करना है। ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, थोड़ा इमेजिन करना डिफिकल्ट तो है इसमें, लेकिन अगर ये तीन फेस सेंटर को देखो, ये पीछे वाला, ये ऊपर वाला और ये सामने वाला, ये तीनों फेस तो एडजेसेंट है ना, एक दूसरे से एडजेसेंट फेस है। ये तीनों आपस में टच कर रहे होंगे, ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये तीन जो आपस में टच कर रहे हैं, ये तीन के ठीक ऊपर ये वाला है, समझ में आ रहा? तो ये जो तीन ऐसे टच कर रहे हैं, तो उसको हम मान लो इस तरीके से नोट कर दे रहे कि ये दिस थ्री आर टचिंग ईच अदर, ये सब फेस सेंटर वाला है ना, ये और ये मान ले पहला मार्बल है, ये दूसरा मार्बल है, ये तीसरा मार्बल है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये दूसरा मार्बल है, ये पहला मार्बल है और ये तीसरा मार्बल है, ठीक। पहला, तीसरा और दूसरा आपस में टच बनाए हुए हैं, उसके ऊपर ये वाला मार्बल रखा हुआ है, ठीक। अब बच गया ये वाला मार्बल, ये मार्बल किसको किसको टच कर रहा बता? ये मार्बल भी तो ऐसे टच बनाए हुए हैं आपस में, तो ये वाला मार्बल एक को टच कर रहा, ये वाला मार्बल लेकिन दो को टच नहीं कर रहा, और ये वाला मार्बल जो है वो तीन को भी टच कर रहा। ये मार्बल एक और तीन को टच कर रहा, डेफिनेटली ये वाला मार्बल एक और तीन को टच कर रहा, समझ में आ रहा है? वो बना दिए कि नहीं बना दिए? उसके बाद जो है बचा ये और ये किसे टच कर रहा है बताओ? ये किसे टच कर रहा है? ये इधर भी टच बनाए हुए है पीछे वाले के साथ। ये फेस सेंटर किसका है? पीछे वाला। ये फेस सेंटर पीछे वाला। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर किसको टच कर रहा है? देखो ये कॉर्नर और ये फेस सेंटर और ये वाला एटम, ये तीनों फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहे होंगे, है कि नहीं? ये और ये तीन एक साथ एक लाइन में टच कर रहे हैं, और इसी को तो हम हाईलाइट किए हुए थे ना यहां पर, क्लियर है कि नहीं? तो ये मार्बल अगर इसको टच कर रहा है, मतलब कि इस तरीके से टच बनाएगा, और ये मार्बल इसको टच कर रहा है तो ये मार्बल इस तरीके से बनाएगा। आप नंबरिंग करके कर सकते हैं, विजुअलाइज देख लो ना। अरे ये फेस सेंटर है, ये भी फेस सेंटर है और ये भी फेस सेंटर है। ये तीनों फेस सेंटर एक दूसरे को पहले टच कर रहे हैं, एक दो तीन हम नंबर दे दिए, एक दो तीन नंबर दे दिए तीनों को। अब ये एक दो तीन देने के बाद बचता कौन है? एक ये बचता है। ये किसके साथ टच बनाए हुए? एक नंबर के साथ। ये किसके टच बनाए हुए? तीन नंबर के साथ, है कि नहीं? तो ये जो है वो एक और तीन दोनों को टच कर रहा है, इसलिए हम बीच में डाल दिए। अब बचा ये वाला मार्बल और ये वाला मार्बल, और कौन सा बचा है? ये तीन तो हो ही गए, ये वाला हम ड्रॉ कर दिए, बचा ये मार्बल और ये मार्बल। तो ये मार्बल किसको टच कर रहा है? एक नंबर को। तो ये मार्बल एक नंबर को टच कर रहा है। ये मार्बल किसको टच कर रहा है? तीन नंबर को। तो ये मार्बल तीन नंबर को। कौन सा? ये वाला। ये दो नंबर को, फेस डायग्राम तो पीछे साइड ना, हाँ, इसमें नहीं। तो यार ये एक लेयर है ना, यहां पर हम सिर्फ इन्हीं को दिखा रहे हैं, इसको हम एक्सटेंड भी तो करेंगे। ये तो पूरा मार्बल का लेयर है एक, किसमें? ये और ये कॉर्नर, ये फेस का हो गया ना, तो ये फेस का ये सेंटर, तो ये फेस का डायगोनली टच कर रहा है,
तो इनडायरेक्टली ये दो नंबर और ये तीनों एक साथ आपस में टच कर रहे हैं, एक तीन और दो, एक यही ये वाला दो नंबर और ये एक साथ टच कर रहे हैं ना। तो ऐसा लेयर हम लोग इधर भी तो बना सकते हैं यार, इस तरीके से ऐसा भी तो लेयर होगा ही, हम तो एक पार्ट बना रहे हैं लेकिन ये मार्बल का पूरा है ना। और उसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तीन दो और एक आ जाएगा। इसलिए एबीसी एबीसी रफली समझने की कोशिश करो इस लैटिस से। और यहीं पर एक और बात गौर से देखो कि ये मार्बल ये फेस सेंटर वाला और ये फेस सेंटर वाला, ध्यान देना ये तीन फेस सेंटर वाले आपस में टच कर रहे हैं और इसी तीन के ऊपर ये लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो तीन मार्बल अगर इस तरीके से अरेंज है और उसके ऊपर एक मार्बल लाई कर रहा है ये वाला, आगे चल के वॉइड में काम आएगा, ऐसे वॉइड को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हम इस क्यूब को एक मिनट, कौन सा क्यूब अलग करना चाहिए इसमें, हां ये वाला क्यूब को अगर हम अलग करते, ध्यान देना ये वाला क्यूब को अगर हम अलग करते, ये वाला क्यूब को अगर हम अलग करते, अलग करके देख रहे हैं, छोटा सा एक क्यूब बनाए हम, ये 1/8 होगा ना क्यूब, 8 छोटे छोटे क्यूब से बना हुआ है ये क्यूब को अगर हम अलग कर रहे हैं तो ये वाले कॉर्नर पे ये एटम दिख रहा है, समझा रहा है। ये वाला कहां पर लाई कर रहा है, इस पोजीशन पे, ठीक है। ये कहां लाई कर रहा है, इस पोजीशन पे, और ये कहां लाई कर रहा है, इस पोजीशन पे, समझा रहा है ना। तो ये तीन आपस में टच कर रहे होते और उसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो ये तीन के ऊपर जब रखा हुआ है तो बीच में एक वॉइड क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, आगे चल के, अभी के लिए नहीं, हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन भी पढ़ेंगे एक बार और, हम ये डायग्राम बताएंगे आपको जब वॉइड पढ़ेंगे। खैर, एबीसी एबीसी पैकिंग एफसीसी, एबी एबी पैकिंग एचसीपी, थोड़ा सा और गौर से इमेजिन करोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो लैटिस आपके बुक में दिया हुआ है ना, उस लैटिस को थोड़ा देर तक ऑब्जर्व करो, अपने आप सब कुछ दिख जाएगा आप, क्लियर। आगे लिखिए, पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स, पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स देखो जनरली अनायंस आर लार्जर इन साइज देन कटायंस। अनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है। आयनिक सॉलिड किससे बना होगा, कटायन और अनायन से बना होगा। आयनिक सॉलिड भी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में जाने का कोशिश करेगा, या तो वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एफसीसी होगा या तो वो एचसीपी होगा। जनरली अनायन का साइज बड़ा होता है और कटायन का साइज छोटा होता है। देयरफॉर अनायन कॉन्स्टिट्यूट्स द लैटिस, अनायन कॉन्स्टिट्यूट्स द लैटिस, लैटिस बनाएगा अनायन। कहने का मतलब वो जो हम लैटिस जैसे बनाए ना, वो लैटिस पॉइंट किससे ऑक्यूपाइड होगा, अनायन से। और जब लैटिस बनता है तो बीच में जगह भी खाली बचता है, उसको हम लोग कहते हैं वॉइड्स। अनायन कंस्टिट्यूट्स द लैटिस एंड द वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कटायन। अनायन लैटिस बनाता है इन जनरल, क्योंकि अनायन बड़े साइज का होता है, और जब लैटिस बन जाता है तो बीच में जो खाली जगह बचता है उसको हम लोग कहते हैं वॉइड। उस वॉइड में कौन जाके ऑक्यूपाई करता, कटायन जाके ऑक्यूपाई करता है। तो आयनिक सॉलिड का जनरल स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन हम लोग एक केस ऐसा भी देखेंगे जब कटायन बनाएगा लैटिस और अनायन जाएगा वॉइड में, वो एकमात्र केस है इंपॉर्टेंट जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जनरल अनायन हमेशा लैटिस बनाएगा और कटायन जाकर ऑक्यूपाई करेगा वॉइड में। नाउ
Voids are basically of four types: trigonal void, trigonal void, dusra tetrahedral void, tetrahedral void, teesra octahedral void, chautha body centered void. चार प्रकार के वॉइड पाए जाते हैं लैटिस में, ट्रायगनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड को क्यूबिकल वॉइड भी कहा जाता है. चार तरीके का वॉइड होता है जिसमें ये दोनों वॉइड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड सबसे ज्यादा कॉमन होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक बात याद रखना, इनक्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब एफसीसी या एचसीपी, इफ देर आर एन एटम्स क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में अगर n एटम्स मौजूद है, जैसे एफसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं, चार. अनायन बनाया एफसीसी तो कितने अनायन प्रेजेंट है, चार. एचसीपी बनाया तो कितना एटम प्रेजेंट होगा, छह. सब पढ़ चुके हैं हम लोग. तो इन जनरल अगर उसमें n एटम्स अगर मौजूद है या n आयंस मौजूद हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी n octahedral voids and 2n tetrahedral void. Tetrahedral void का नंबर कितना हो जाएगा, 2n. तो ध्यान रखना FCC में टोटल कितने एटम मौजूद होते, चार. तो उसमें चार octahedral void होता है और आठ tetrahedral void होते हैं. FCC में चार octahedral और आठ tetrahedral. उसी तरीके से FCC में चार octahedral एंड एट टेट्रा हेड्रल वॉइड्स. उसी तरह एचसीपी में छह ऑक्टा हेड्रल वॉइड होते, क्योंकि छह एटम होता है एचसीपी में, छह ऑक्टा हेड्रल और बारह टेट्रा हेड्रल वॉइड होता है. क्लोज्ड पैक्ट दिखाएंगे ना, वो एफसीसी तो है, जो लैटिस बनाए हुए एफसीसी तो है. लाल वाला जो हम हाईलाइट किए वो एफसीसी पॉइंट ही तो है. पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर वॉइड बनता कैसे है, उसके बाद हम उसका लोकेशन बताएंगे. लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में अगर n एटम्स है तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर से दो ही प्रकार के होते हैं, एफसीसी या एचसीपी. अगर उसमें n एटम है तो उसमें n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे. एफसीसी में चार ऑक्टाहेड्रल, आठ टेट्राहेड्रल. एचसीपी में छह ऑक्टाहेड्रल और बारह टेट्राहेड्रल वॉइड. ये होता है, मौजूद होता है, उसका लोकेशन हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले ऐसे समझो, हम डिटेल डिराइव भी करेंगे लेकिन अभी ऐसे समझो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता. तीन मार्बल को इस तरीके से रख दो एक प्लेन पे, आपस में टच करता हुआ, और उसके ऊपर रख दो चौथा मार्बल, तो चारों के बीच में जो खाली जगह बचेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है. चारों के बीच में जो खाली जगह बचेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा. तीन मार्बल एक साथ ट्रायंगल में और ऊपर से चौथा रख, तो चारों के बीच में जो जगह बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड. समझ में आ रहा है? तो अगर आप उस टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर इमेजिन करना है, सारे मार्बल का सेंटर को ज्वाइन करो, तो तीन मार्बल तो कुछ इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल में जुड़ जाएंगे, सेंटर टू सेंटर. और चौथा मार्बल जो ऊपर से रखा हुआ है वो ऊपर में होगा उसका सेंटर. अगर हम सारे सेंटर को इस तरीके से अगर हम जोड़ दें तो कैसा शेप दिख रहा है,
टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरीके से बनता है, जब तीन मार्बल के ऊपर चौथा मार्बल को ग्रुप में रख दो तो जो बीच में खाली जगह बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ इस तरीके से बनता है, चार मार्बल को इस तरीके से पहले रखो, चार मार्बल को कैसे रखे, स्क्वायर टाइप से ऊपर से एक और नीचे से भी एक, चार एक साथ है स्क्वायर टाइप में अरेंजमेंट, ऊपर से एक रख दिए ग्रूव पे और नीचे से एक रख दिए ग्रूव पे, ऐसे वॉइड को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसे वॉइड को हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर सारे मार्बल के सेंटर को लाइन से ज्वाइन करोगे तो आपको चार मार्बल का सेंटर बिल्कुल स्क्वायर टाइप से दिखेगा और एक सेंटर आपको ऊपर दिखेगा, एक सेंटर नीचे दिखेगा, सबको लाइन से ज्वाइन कर दे, कैसा शेप आ रहा है ये समझ में आ रहा है? इट विल बिकम अ ऑक्टाहेड्रल शेप, इट विल बिकम अ ऑक्टाहेड्रल शेप। अब देखो एफसीसी में ये एफसीसी है, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा सा क्यूब है ये, इसको आठ भाग में काटो इक्वल, काटा हुआ है ये वाला जो क्यूब जो हम निकाले थे वो एक क्यूब निकला था, एक दो तीन चार, वैसे ही नीचे चार, टोटल आठ क्यूब निकलेगा। और ये जो क्यूब हमने निकाला था जिसे बोला था कि ये फेस सेंटर वाला आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यही पे तीन चीज हम दिखाए थे, ये आपस में टच कर रहे थे, कैसे टच कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से टच कर रहे हैं। तो ये कहां रखा हुआ है, ये इसके ऊपर ही तो है, मतलब जब हम एक बड़े से क्यूब को आठ छोटे छोटे क्यूब में काटते हैं तो एक क्यूब जो निकल के आएगा बाहर उसका बॉडी सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, होगा कि नहीं होगा? जब एक बड़े से एफसीसी क्यूब को आठ भाग में काट दो और एक क्यूब को बाहर निकालो, हम एक क्यूब को बाहर निकाले हुए हैं, ये एक क्यूब को हम बाहर निकाले जिसमें हम बताए थे ना कि ये फेस सेंटर तीनों आपस में टच कर रहा है, तीनों टच कर रहे थे और उसके ऊपर से ये वाला कॉर्नर वाला जो है वो आके टिका हुआ है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड ही बनेगा ना बीच में, तो उस क्यूब के सेंटर पे कितना टेट्राहेड्रल वॉइड। अब गौर से मेरे को बताओ देखकर कि क्या ये और ये आपस में टच कर रहे हैं, यस और नो? अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं मतलब कि ये दोनों का टच है, ये दोनों का भी टच है, ये दोनों का भी टच है, तो ये बात ध्यान रखना, ये तीनों मार्बल आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं और ये बिल्कुल ऊपर से है और ये बॉडी सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर आपने आठ क्यूब निकाला तो आठ टेट्राहेड्रल वॉइड आया कि नहीं आया? इसीलिए एफसीसी में आठ टेट्राहेड्रल वॉइड होते, हर क्यूब में आपको मिल जाएगा एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एफसीसी में लोकेशन समझ में आ रहा, एफसीसी में लोकेशन समझ में आ रहा, ये सब पॉइंट को भूल जाओ, ये सब पॉइंट लैटिस पॉइंट नहीं है, ये सब पॉइंट लैटिस पॉइंट नहीं है बेटा, लैटिस पॉइंट जो है वो लाल वाला ही है, खाली जगह ये सब, जैसे यहां पर फेस सेंटर ये भी हो गया फेस सेंटर, ये भी हो गया फेस सेंटर, ये भी हो गया फेस सेंटर, बाकी कॉर्नर एफसीसी था, एफसीसी को हम आठ भाग में बांट दिए, एक क्यूब को बाहर निकाले, ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एक छोटे क्यूब में, देयरफॉर देयर आर एट टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल खोजते हैं, है कि नहीं? ऑक्टाहेड्रल में चार मार्बल कैसे टच करना चाहिए, स्क्वायर, गौर से देख, ये 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 और ये आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर आपस में टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, स्क्वायर टाइप से ही तो।
ये दोनों आपस में टच कर रहा है, ये दोनों आपस में टच कर रहा है, ये दोनों भी टच कर रहा है, ये दोनों भी टच कर रहा, मतलब कि ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ। ये दोनों टच कर रहा, ये दोनों टच कर रहा, ये दोनों टच कर रहे और ये दोनों भी टच कर रहे, ये चारों के ठीक ऊपर और ये चारों के ठीक नीचे देख ले, जोड़ दो, ऐसे ही डायग्राम आपके बुक में भी बना हुआ होगा, देखोगे तो यहां पे मिला आपको। तो एफसीसी का क्यूब के बीचों बीच बॉडी सेंटर पे ऑक्टा हेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ये जो अरेंजमेंट है बेटा, ये अरेंजमेंट सिर्फ इतना ही दूर तक थोड़ी है, ये अरेंजमेंट इधर भी फैला हुआ, इधर भी फैला हुआ है कि नहीं। अब देख, ये आपस में टच कर रहे हैं, कर दे रहे हैं हम, ये वाला आपस में टच कर रहा कि नहीं, है कि नहीं। इसके ठीक यहां पर भी होगा, सॉरी, ये आपस में टच कर रहे, ये इसके साथ टच बनाया हुआ है, ये इसके साथ टच बनाया हुआ है, तो इधर भी तो होगा एक। तो ये चारों बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे यहां चार बनाए थे हम, इसके ठीक नीचे ये, इसके ठीक ऊपर भी होगा एक। तो यार यहां पर भी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कहां बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड? यहां पर है ना। तो ये कौन सा सेंटर कहलाया? तो ये एक एज था, एज का सेंटर पे, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना, इन एफसीसी वन कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज एट बॉडी सेंटर एंड 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/4, 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर। तो बेटा टोटल कितना हो गया? 1+12 एज होते, 12 × 1/4 टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते? एफसीसी में 4 ऑक्टाहेड्रल और 8 टेट्राहेड्रल, दिखा है, जितना हो सके कॉपी करो, जो जो लिखे हैं सेंटेंस वो तो कॉपी कीजिए ही। ये पॉइंट कितना क्यूब के साथ शेयर्ड है? हैं? एक कॉर्नर पे 1/8 क्यों बोलते हो? क्योंकि कॉर्नर 8 क्यूब के साथ शेयर्ड रहता है। इसको ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए? एक साइड में लगाएंगे और 2 ऊपर से रख देंगे, तो ये 0.4 क्यूब में शेयर्ड है। तो 1 क्यूब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर का 1/2, बॉडी सेंटर का कंप्लीट 1 और एज सेंटर का हमेशा 1/4। अब देखो, रेडियस रेशियो, सबसे पहले ट्रायगोनल वॉइड, ट्रायगोनल वॉइड कैसे बनता है? तो देखो, अनायन लैटिस बनाएगा और कटायन कहां जाएगा?
वॉइड में, तो हम लोग कटायन का रेडियस और अनायन का रेडियस का एक रिलेशन निकालेंगे कि कौन से वॉइड में क्या रेशियो उस रेडियस का बनता है। तो ऐसे समझो, ट्रायंगल वॉइड कैसे बनता, तीन अनायन बड़े बड़े इस तरीके से लाई करेंगे, ठीक, एक प्लेन में, तब इनके बीच में जो एक वॉइड बना उसको हम लोग ट्रायंगल वॉइड कहेंगे। कटायन जो है वो लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है, तीन अनायन इस तरीके से आपस में आ जाएं और बीच में जो खाली जगह बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल वॉइड। और ट्रायंगल वॉइड में कौन जाएगा, कटायन। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ कि रेडियस रेशियो कितना आना चाहिए। तो ठीक है, हम ये जानते हैं कि R प्लस जो है वो रेडियस ऑफ कटायन है और R माइनस जो है वो रेडियस ऑफ अनायन है। तो अगर हम इस सेंटर से इसके सेंटर और इसके सेंटर तक एक लाइन ज्वाइन करें ऐसे, तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि तीनों का लाइन ज्वाइनिंग कितना है, 60-60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से यहां तक का एंगल कितना आ रहा, 30 डिग्री। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बता, R माइनस प्लस R प्लस रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। अब अगर हम कॉस ले लें, कॉस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, R माइनस के बराबर हो जाएगा, ये लेंथ R माइनस ही तो है, तो ये लेंथ cos 30 इज R माइनस, ठीक है। तो R पॉजिटिव प्लस R माइनस, cos 30 कितना होता, √3/2, दैट इज R माइनस, R माइनस से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा R प्लस प्लस R माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3, इंप्लाइज R प्लस बाई R माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको कभी याद रहता ही नहीं, लेकिन हम निकाल लेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1.732, यह आएगा 1.155 माइनस 1, तो 0.155 ये आएगा रेडियस रेशियो। लेकिन ये जो रेडियस रेशियो है ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, लिमिटिंग माने सबसे छोटा, जिसमें कटायन और अनायन सब आपस में टच कर रहा है, तब जाके ये रेडियस रेशियो निकाला गया है। लेकिन तुम खुद सोच के देखो, क्या ये सिस्टम स्टेबल होगा ऐसे, क्या ये अनायन अनायन आपस में टच करेगा तो स्टेबल रहेगा कि रिपेल करेगा, ये सिस्टम अनस्टेबल है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि सिचुएशन स्टेबल कब होगा, जब कटायन थोड़ा सा बड़ा हो जाए और अनायन को थोड़ा सेपरेट कर दे, क्योंकि अनायन अनायन जब अलग होगा तो रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर R प्लस प्लस R माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.155 ट्रायंगल वॉइड, ग्रेटर देन 0.155 ट्रायंगल वॉइड में जाएगा कटायन, लेकिन एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि ये बड़ा होता चला जाए और ये दूर होता चला जाए, वो भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। जितना बड़ा एक लिमिट तक बड़ा हो सकता है, उसके बाद वो कटायन किसी दूसरे वॉइड में जाएगा, वो और बड़ा साइज का वॉइड में जाएगा। बात समझ में आ रहा, खैर इसलिए हम लोग लिखते हैं R प्लस प्लस R माइनस ग्रेटर देन 0.155 ट्रायंगल वॉइड। ट्रायंगल वॉइड में रिलेशन नंबर कितना, 3, एक कटायन को कितने अनायन टच कर रहा, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायंगल वॉइड का, इतना कॉपी कर लो। अब ठीक इससे बड़ा जो दूसरा टाइप का वॉइड होता है उसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। भाई तीन एटम, तीन अनायन एक साथ, चौथा अनायन भी ऊपर से, तो बीच में जो जगह बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड।
तो यार टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कटायन का कितना, एक कटायन कितने अनायन के साथ टच में रहेगा, एक कटायन कितने अनायन के साथ टच में रहेगा, चार के साथ ना, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर। ठीक, नहीं समझ में आ रहा क्या चीज कोऑर्डिनेशन नंबर है? अरे जब तीन रखेंगे मार्बल और ऊपर से चौथा रखेंगे तो बीच में गैप आएगा ना, उसी को तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, और उस बीच में तो कटायन को फिट करेंगे, उस बीच में तो कटायन को फिट करेंगे, तो वो कटायन चारों अनायन को टच कर रहा होगा ना, है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कटायन का कितना आएगा, चार। ले अभी भी समझ में नहीं है, अपने आंख के सामने तीन मार्बल रख, रख लिया, चौथा को ऊपर से रख दिया, तो यार बीच में जगह बनेगा ना, है? तो वो जगह में हम लोग क्या फिट करते हैं, कटायन को ही तो फिट करेंगे, तो वो कटायन चारों के साथ टच बनाएगा ना, नीचे का तीनों और ऊपर का एक। नहीं समझ में आया, समझाए? आ गया? हाँ सर, है? कटायन हाँ, गणित पढ़ रहे हैं हम लोग, वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी है, गणित चल रहा है कि केमिस्ट्री रे है? केमिस्ट्री में गणित मत लगाना, पहले बोलेगी कटायन छोटा होता अनायन बड़ा होता, तो अनायन बनाएगा ना लैटिस, और छोटे छोटे जगहों में छोटे छोटे कटायन अपने आप को फिट कर लेंगे, और कटायन अगर बना दिया लैटिस तो अनायन तो हवा में रहेगा, सोचो छोटा छोटा एटम लैटिस बनाया है तो पूरा तो सेल खाली है, पूरा सेल खाली है तो कहीं भी अनायन घुस जाएगा, तो वो कोई अरेंजमेंट थोड़ी ना पॉसिबल है, क्लोज पैक्ट होना जरूरी है। क्लोज पैक्ट कब हो सकता है? चार मोटा मोटा आदमी के बीच में एक पतला आदमी को ठूस दो, देखो क्लोज पैक हो जाएगा। अब बेटा चार पतला पतला के बीच में एक मोटा को ठूस दो, चार को खड़ा कर दो, चार कोना है पतला पतला, मोटा वाला तो ऐसे ही घूमेगा फ्रीली, तो क्लोज पैक थोड़ी हुआ। गणित लगाना हम समझाएं कि नहीं? गणित लगाना क्या होता है? गणित लगाना जैसे हिंदी बोलते हैं ना, नौ दो ग्यारह होना, नौ दो ग्यारह होना, तो इसका क्या मतलब है? भाग जाना। तो लड़का लोग गणित लगा दिया, मान लो कि सर दो नौ ग्यारह होना, इसी को कहते हैं गणित लगाना। अरे वो गणित लगा रहा, वो ये देख रहा है कि नौ और दो ग्यारह, तो हम कहें इसको दो और नौ ग्यारह बोले, दोनों ग्यारह होना, तो हिंदी वाला सब मानेगा कि भाग जाना, बोलेगा होता ही नहीं है, लेकिन लड़का गणित लगा रहा है, इसलिए केमिस्ट्री में गणित नहीं लगाना है। बहुत कुछ चीज एग्जिस्टेंस है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन हम समझा दिए, समझा दिए ना? ठीक है, तो जब हम बड़े से एफसीसी क्यूब को आठ छोटे छोटे भाग में काटेंगे तो एक छोटा सा क्यूब जो सामने आएगा उसके बॉडी सेंटर पे, उसके बॉडी सेंटर पे वो टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेटेड है। ठीक है, यहां पर एक तो ये वाला था, एक फेस सेंटर वाला, ये वाला था एक फेस सेंटर वाला, और ये वाला था एक फेस सेंटर वाला। ठीक, ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं, चौथा ऊपर से है, और कहीं तो बॉडी सेंटर में वो टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेटेड है, बॉडी सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेटेड है। ठीक, ये तो अनायन हो गया, और ये क्या है? कटायन। कटायन अगर बॉडी सेंटर में है तो हम एक और अनायन यहां इमेजिन कर रहे,
ताकि हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक ए है मान लो, ये डिस्टेंस ए है मान लो, हम बोल सकते हैं कि आर माइनस प्लस टू आर प्लस प्लस आर माइनस, आर माइनस प्लस या टू आर माइनस प्लस टू आर प्लस विल बी इक्वल टू रूट थ्री ए। बॉडी सेंटर भी तो रहेगा ना, क्यूब का बिल्कुल सेंटर पे होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ए क्या है, तो हमको तो ये भी पता है कि ये दोनों आपस में टच कर रहा है भाई, और अगर टच कर रहा है तो टू आर माइनस जो है वो जरूर रूट टू ए के बराबर है। ये दोनों आपस में टच कर रहा है तो आर माइनस प्लस आर माइनस टू आर माइनस और टू आर माइनस, इसका डायगोनल का लेंथ कितना, रूट टू है, तो ए कितना लिख दोगे, आर माइनस वाई नहीं, ए कितना लिख दोगे, रूट टू, रूट टू आर माइनस ना, यहां लिख देंगे रूट थ्री इंटू रूट टू आर माइनस। अब आर प्लस प्लस आर माइनस विल बी इक्वल टू रूट थ्री, और टू से डिवाइड करो, रूट थ्री बाय रूट टू आर माइनस, आर माइनस से डिवाइड कर दे, आर प्लस प्लस आर माइनस प्लस वन इज रूट थ्री बाय रूट टू, रूट थ्री बाय रूट टू का वैल्यू कितना, रूट थ्री 1.732 डिवाइडेड बाय रूट टू 1.414 आएगा 1.2248 माने 1.1.225। therefore r positive by r minus will be equal to 0.225। यही रेडियस रेशियो का कंडीशन है। तो r plus by r minus greater than or equal to 0.225 कटायन कहां जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।